हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ पनीर पराठा। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर का पराठा, और ये नए तरीके का पराठा है जो नॉन पराठा है। तो आप आज का वीडियो हमारा देखिए, हम कैसे बनाते हैं पनीर नॉन पराठा। इसके लिए हमें चाहिए पनीर, हमने कद्दूकस कर लिया है, और एक आलू, एक प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, इन सबको हम एक साथ रख के मैश कर लेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। मैश करने के बाद इसको हम नॉन के साथ बनाएंगे। तो आगे का वीडियो देखते रहिए गाइस, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद आए तो, ना आए तो भी सब्सक्राइब करिए प्लीज़ गाइस। नॉन बनाने के लिए हमें 2 कटोरी आटा, 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी दही, 1 चुटकी बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके फिर इसे हम गूंथ लेंगे। देखिए, अब हमने आटा ये मिला लिया है। मिलाने के बाद इसमें 2 बूंद हम 1 चम्मच तेल डालेंगे किनारे किनारे, और फिर इसे 1/2 घंटे के लिए ऐसे मिला के, और इसे 1/2 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे ताकि हमारा आटा फूल के सॉफ्ट हो जाए और पराठे बनाने में बहुत आसान हो। तो गाइस, इसे हम ढक देंगे 1/2 घंटे के लिए। अब जब तक हमारा आटा तैयार हो रहा है गाइस, तब तक हम इसके लिए चटनी तैयार कर लें, नॉन पराठा के लिए चटनी तैयार कर लें। तो चटनी में हमें क्या क्या चाहिए ये मैं आपको दिखाती हूँ। हमें चाहिए थोड़ा सा अदरक, थोड़ा लहसुन, 2 हरी मिर्ची, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, तीखा खाना पसंद करते हैं तो, और नरम नरम जो सामने का कढ़ी पत्ता होता है। अगर हमारे घर में धनिया पत्ता नहीं है तो हम ये कढ़ी पत्ता से भी चटनी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पुदीना पत्ता डाल देंगे। अगर पुदीना ताज़ा नहीं है तो आप उसका पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसमें हम ये डालेंगे, सब मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम मूँगफली दाना लेंगे फ्राई किया हुआ, और 1 कटोरी हम लेंगे टमाटर। ये सब डाल के हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। तो गाइस, इन नॉन पराठे के साथ ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप ट्राई करिए, अपने घर में बना के देखिए, ढाबा के जैसा ही लगेगा। आप बाहर खाना भूल जाएंगे। एक बार आप अपने घर में बनाएंगे, बाहर खाना भूल जाएंगे। आप बार बार अपने घर में बनाएंगे ये टेस्टी पराठे और चटनी। तो चलिए हम चटनी बनाते हैं। ये देखिए, चटनी बनके तैयार हो गया हमारा है। इस तरीके से इसे हम कटोरी में सर्व करेंगे। हमारा आटा तैयार हो गया है। ये देखिए बनाने लगा। चलिए हम पराठा शुरू करते हैं। आगे का वीडियो देखिए, मैं कहीं बना लिया और बना के अब इसके अंदर हम पनीर को भरेंगे हम, ताकि हमारे पराठे ना फटे। अच्छे से भर लेना है, और इस तरह भर के फिर हम इसको रोटी हम ले लेंगे इसका। देखिए, हमने बेल लिया, अब इसको हम तवे पे डालेंगे और धीमे धीमे आंच से इसको हम पकाएंगे।